वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 10 कराने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है हमारा, संघर्ष के प्रकारों की विवेचना कीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे संघर्ष के प्रकारों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। संघर्ष का प्रकार्यात्मक महत्व है संघर्ष संबंधों की निरंतरता और स्थायित्व की दृष्टि से लाभदायक होता है। संघर्ष जो है वह संबंधों की निरंतरता से, ठीक है, और स्थायित्व की दृष्टि से लाभदायक होता है। अन्य समूहों से संघर्ष करने वाले समूह की आंतरिक एकता मजबूत हो जाती है। अन्य समूहों से संघर्ष करने वाले समूह की जो आंतरिक एकता जो होती है वो क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। आंतरिक विघटन को रोकने, व्यवस्था को कायम रखने तथा सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करने में संघर्ष महत्वपूर्ण है। संघर्ष किस किस में महत्वपूर्ण है? आंतरिक विघटन को रोकने के लिए, ठीक है, व्यवस्था को कायम रखने के लिए तथा सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करने में संघर्ष जो है महत्वपूर्ण है। संघर्ष के माध्यम से विरोध और तनावपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता रहता है। संघर्ष के माध्यम से विरोध और तनावपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता रहता है। इतना ही नहीं, विघटनकारी संघर्षों से बचने के लिए समूह ऐसे संघर्षों को प्रोत्साहन दे सकता है जो एकीकरण में सहायक हों। संक्षेप में प्रकार्य को स्पष्ट करते हुए कोजर ने लिखा है कि संघर्ष आमतौर पर प्रचलित आदर्शों को पुनः बल प्रदान करने में सहायता करता है अथवा प्राचीन परिस्थितियों के अनुकूल आदर्शों का समन्वय करने वाला तत्व है। तो ये था आपका प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला प्रश्न था आपके लिए। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।